वेलकम बैक टू चैनल निकीज फैमिली ब्लॉग्स। तो ऐसा है कि कल के जो ब्लॉग में आपने देखा था, हम लोग जो है काकोसा के खानागार यानी खल मिट्टी में तो नहीं जा पाए थे, बट अभी सुबह अभी टाइम हो चुका है 10:30 बजे, तो बस सब लोग अब 5 से 10 मिनट में निकलने वाले हैं और ऑलमोस्ट सब लोग है जो रेडी हो चुके हैं। तो सोनू भैया की जो है शादी की रस्म रीति रिवाज सब कुछ चालू हो गया है। सो आप भी बने रहिए मेरे साथ निकीज फैमिली ब्लॉग में और कीजिए सोनू की शादी को एंजॉय। शादी स्टार्ट नहीं हुई कि इनका बस सेल्फी फोटो सब कुछ स्टार्ट हो गया है। यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है कि और इतना सब कुछ जल्दी जल्दी किया है कि हेयर वॉश भी नहीं किया, हेयर में ऑयल भी दिख रहा है। फिलहाल साल सुपड़े वाली कोई रस्म होती है उसको तो मिस कर दिया था, बट अभी जो आपने देखा था वो हल्दी वल्दी कुछ कूट रहे थे। और अब ऐसा है कि ये है पीहू, इसमें ये अंदर छोटी छोटी बास्केट है तो इसके अंदर हम मिट्टियाँ लेके आएंगे, और जैसे कि कल के ब्लॉग में बताया था इससे छोटे चूल्हे और कोठियां बनेगी जिसमें कि माता का भोग वगैरह बनेगा। तो कुछ ऐसी है ये रस्म। गर्ल्स गैंग आके यहाँ पेड़ की छाव में खड़ी हो गई है और पीछे जो है मम्मी एंड कंपनी अभी आ रही है चलते हुए। चल गेट खोल, खुल जाएगा तुझसे। ए ऊपर से खोलना पड़ेगा, ये रस्सी बंधी हुई है, रुक जा। आते ही आम के पेड़ को देखते ही इस पे झूम गए हैं। हम खेत में तो पहुंच चुके हैं पर फिलहाल यहाँ पे आराम करवा रहे हैं आम के पेड़ के नीचे, और जल्दी फिर रस्म भी स्टार्ट करेंगे। मैं नहीं, मेरे परिवार जन हो गया। अच्छा स्टार्ट हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है इस जगह से जो है शगुन की मिट्टी ली है जिससे चूल्हा और ये सब कुछ बनेगा। अभी तो फिलहाल पूजा की, अब खोदेंगे ये। ये बुआ दादी सा ने स्टार्ट कर दिया है खोदना। तो ये खाना घर वाली जो है मिट्टी ले ली है और अब हम घर जा रहे हैं, और सारी जो भी बास्केट है सब लड़कियों ने ही उठाई है, तो बस इसको घर लेके जाना है। लड़कियां बेचारी थककर चूर हो गई है इसलिए यहाँ डेस्क पे जो है बास्केट रख दी। किसकी? हाँ तो सही है, वो नहीं आई वरना तो वो तो यही रह जाती। ये लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे। ओहो अब हमारी असिस्टेंट आई है अवनी। हाँ वो ऐसा ले आई हूँ मैं। तो 4:15 बज गए और वहाँ से आने के बाद जो है मैंने खाना तो खाया नहीं था, बहुत ऐसा थकान सी लग रही थी और गर्मी है तो इसलिए फैन में नींद आ गई थी। तो अभी उठी हूँ तो सोच रही हूँ कि खाना खा लूँ, और फिलहाल किचन में ही हूँ और बाकी तो अभी ऐसा कुछ खास है नहीं। ओहो आज तो बेटी माँ की चोटी बना रही है मस्त। आज इधर चूल्हा कोठी बन रहा है। राख भी डलेगी क्या? कंडे नहीं बनाना है, चूल्हे चक्की बनाना है। किसके किसके चूल्हे बनेंगे? हाँ इसमें माता जी का नेवज बनेगा ना। ठीक, बहुत सोया भाई आज तो एकदम, अभी भी आंखें नहीं खुल रही है और क्या। ये बन चुके हैं छोटे छोटे चूल्हे, पतीला, कोठी। हाँ कोठी, पतीला नहीं कोठी। अच्छा ऐसा सही है। कहाँ जा रहे हो? चुन्नी मुन्नी क्या देने? अच्छा तो जाओ। क्या ले रिंकी? पीले पीले इसकी जरूरत है तुझे सब। तो है ना वहीं पे पैसा दे। ए बिंकी उसमें देख, तो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। छोड़ दो, उधार ले लो कोई से, उधार ले लो। पानी डाल गई और फिर भजी बन रही है।
तब मैंने नहीं सीधा किया, मैंने नहीं किया। इधर जो है दंगल चल रहा है और उधर हमारा तोतो नहीं मिल रहा है। गंगा जल, ये देखिए गंगा जल, अभी रिंकी नहाएगी इससे और शुद्ध हो जाएगी। गंगा जल है ना कि कपड़े का पानी है। देखते ना अब, अरे यमुना आप क्या पसंद करो, गंगा या यमुना? नाली का पानी, नाली का पानी, नाली है भी नहीं अपना है। वो शाम हो रही पानी नाली में, बहुत बड़ी नाली पड़ी। क्या पसंद करोगे आप बताओ? रे कपड़े का धोया पानी, जा चल जाओ, नाली में गिरी गई, मिल गया तो मिल गया। वो कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहता है। बुजी का हो रहा है दिमाग खराब, चाय अच्छी नहीं मिली है ना बुजी? हाँ हमारा दिमाग खराब हो गया, एक का वो अच्छी मिली, मन मान, हाँ मन मान जाने से मन ही नहीं माने। वही अभी पिंकी गई है उनके लिए एकदम मस्त कड़क चाय बनाने के लिए। रिंकी हमारे लिए ये अंग्रेजी इमली लाई है, गई थी मैं नींबू लेने के लिए, लेकिन मुझे इमली भी मिल गई साथ साथ। मम्मी लो, हाँ दे रही हूँ, इधर आओ इधर आओ, दो एक मीठी वाली दो। मम्मी टार्च में सही लगी थी ना, सही है ना? वो बोसे दे दो, मैं लेके ही नहीं आई, वहाँ लगी मौसी घर पे थी तो मैंने कहा कोई नहीं खाएगा। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है, देख मैंने अपने हाथ में डाला है। तो अभी बच गए 9:30 और सबका खाना वगैरह सब कुछ हो गया है कंप्लीट, और हम लोग तो ऊपर है सारी बच्चा पार्टी। मैं फिलहाल एडिटिंग कर रही थी, थोड़ा बचा है तो थोड़ा मुझे करना बाकी है। और जो नीचे है सब लोग गणेश गा रहे हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी महिला मंडल इकट्ठा हो गया है, मेरे भुआसा और भी बहुत सारे भुआसा होता है, वो सभी लोग आ चुके हैं। इधर जो है वो बच्चा पार्टी मस्ती कर रही है टेरिस पे, ये इन लोग का डांस चल रहा है, डांस कम दंगल जैसा लग रहा है मुझे तो कुछ कुछ। ये बेचारा मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है, कोई पैर रख देगा तो भी चकना चूर। ये है रितिका, वन ऑफ द कॉमेडियन पर्सन, वन ऑफ द कॉमेडियन बच्चा इन आवर फैमिली। बाकी तो सारी बच्चा पार्टी सब यही मस्ती कर रही है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में अगेन नई चीजों के साथ, नए शादी के रस्म रीति रिवाजों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। तो बाय बाय, गुड नाइट।